फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, और वो भी प्रैक्टिस सेट ऐसा कि जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ पेपर है, आपका PGT 2011 का पेपर है, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे, अब उसके आप बात से करते हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन है, ईजी है, काफ़ी ईजी है। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पे जो रूट एक्स है इसको क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। यहाँ से एक्स कोस्टू कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एक्स कोस्टू क्या आ जाएगा, 2t dt आ जाएगा। और लिमिट भी चेंज हो जाएगी जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, एट एक्स टू जीरो पे टी की लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो, एंड एट एक्स टू पाई स्क्वायर बाई फोर है तो टी की लिमिट क्या हो जाएगी, पाई बाई टू हो जाएगी। ठीक है, तो इंटीग्रल आएगा क्या, जीरो टू पाई बाई टू साइन टी, और यहाँ पे टू डी टी है तो टू बाहर ले लो, टी डी टी लिखते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या हो जाएगा, टी माइनस कास टी, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड से, माइनस डी टी बाई डी टी, डी बाई डी टी, और टी का करेंगे तो वन आ जाएगा। ठीक है, वन इंटू, फिर साइन का करेंगे तो माइनस कास टी डी टी। ठीक है, यह आपका आ जाएगा माइनस टी कास टी, फिर प्लस कास आ जाएगा साइन टी। ठीक है, और आपका जो लिमिट है इसको आप रख दो, जीरो टू क्या है, पाई बाई टू है। ठीक, तो अब करना क्या है, इसमें लिमिट रख दीजिए, इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट मीन्स आपका आ जाएगा माइनस पाई बाई टू कास पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू। ठीक है, माइनस यहाँ पे जीरो हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो लिखने का कोई मतलब है नहीं, साइन जीरो। ठीक है, यहाँ से ये भी वैल्यू देगा जीरो, और ये आपका देगा वन, और आपका जीरो हो जाएगा, टू इंटू वन दैट इज टू। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने लिखा हुआ बोर्ड, ये भी इजी है, सेम इसी तरीके से करना है। ये PGT का पेपर है, देखा जाए तो सी ईयर का पेपर काफ़ी आसान हो गया था। तो कहने का मतलब ये, कभी कभी पेपर इस तरीके से आ जाता है कि PGT वाला कठिन आ जाता है, PGT का ईजी आ जाता है, है ना। तो जैसा कि जब ईजी आएगा फिर मेरिट भी बढ़ जाएगी, तो भला इसी में पेपर टपर है तो ही अच्छा है, है ना। इसमें बड़ी खुश नहीं होना चाहिए, पेपर इजी है, बल्कि टफ आया ज़्यादा बेहतर होता है, है ना भाई। टफ है तो सबके लिए है, और उसी में फिर सही होता है। पेपर टफ हमेशा फायदेमंद होता है, लॉस इजी वाले में होता है। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं, हम लोग वही काम यहाँ पे भी करते हैं। तो रूट एक्स को क्या मान लो, टी मान लो सेकेंड को, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू आ जाएगा टी स्क्वायर, डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, टू टी डी टी आएगा, लिमिट भी चेंज हो जाएगा, एट एक्स टू वन पे टी की लिमिट क्या हो जाएगी, वन ही हो जाएगी, एंड एक्स टू फोर पे टी की लिमिट क्या हो जाएगा, टू हो जाएगी। ठीक है, तो वन टू टू, और यहाँ पे टू कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ई टू पावर टी, और डी एस की जगह रखेगा क्या, टी डी टी। ठीक है, अगर इंटीग्रेटेड बाई पार्ट, ठीक है, कर भी ले जाएंगे इसको, हमें करना नहीं चाहिए, चलो कर देते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी ई टू पावर टी माइनस e का वन हो जाएगा, e टू पावर t का फिर वही आएगा, e टू पावर t ही आएगा, तो टू टाइम्स t e टू पावर t माइनस e टू पावर t, लिमिट जो है आप उसको लगा दो, वन टू टू है। ठीक है, वन टू टू, तो क्या आएगा, टू टाइम्स t की जगह टू, फिर e टू पावर टू माइनस e टू पावर टू, ठीक है, माइनस t की जगह वन, e टू पावर वन माइनस e टू पावर वन। ठीक है, ये तो जीरो कर देगा, यहाँ से टू ई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वन ई स्क्वायर यानी टू ई स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ से इसका जो जवाब होगा टू ई स्क्वायर आएगा, आप देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डायरेक्ट सब कंटिन्यू इंटीग्रेशन ही दिया, सारे इजी है। ये जो समय है इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए, जितना आपने पढ़ा है मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिए, अपने आप में जो है टाइम का भी एक प्रैक्टिस हो जाती है, है ना, और क्वेश्चन भी अच्छे ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू साइन थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन के लिए जो है पेन नहीं उठाना चाहिए, डायरेक्ट करना चाहिए, इसमें कुछ है ही नहीं,
दैट मैंने बताया था, बी इज टू पाई बाई फोर, सी इक्वल्स टू पाई, डी इज टू जीरो। ठीक है, ये चलिए करते हैं। इस टाइप क्वेश्चन में हम लोग जो है जो आपको प्रॉपर्टी हमने बताया था इंटीग्रल की, उसको यूज करते हैं। सिंपल से सबसे पहले इसको क्या मान लेते हैं, आई। ठीक है, आई मान लेते हैं जीरो टू पाई बाई टू साइन थीटा अपान साइन थीटा, फिर प्लस कास्ट थीटा थीटा डी थीटा। और आपको मालूम है जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसको आप लिख सकते हो जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ठीक, डी एक्स। ये वाला हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो इसमें यूज करते हैं जीरो टू पाई बाई टू, यहाँ पे ए आपका पाई बाई टू, इसमें साइन थीटा पाई बाई टू माइनस थीटा अपान साइन पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा डी थीटा। ये आएगा क्या एक्चुअली, जीरो टू पाई बाई टू साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा। ठीक है, अपान साइन 90 माइनस थीटा ये भी आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ये आ जाएगा ये साइन थीटा। इसको सेकेंड मान लो, इसको फर्स्ट। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट सेकेंड को ऐड करो, कितना आएगा, आई आई टू आई और जीरो टू पाई बाई टू। अब इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यानी एक्चुअली आएगा ऐड करो एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कास थीटा, और इसको ऐड करोगे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कास थीटा आएगा। देख लो भाई, दैट इज वन, जीरो टू पाई बाई टू ये आ जाएगा वन डी एक्स डी थीटा है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करो कितना आएगा, थीटा आएगा, लिमिट कितना है जीरो टू पाई बाई टू, लिमिट रखो कितना आएगा पाई बाई टू। अब ध्यान रखना, जल्दबाजी में लोग क्या पाई बाई टू टिक करके चले जाते हैं, गलत है, इधर टू आई चला रहा है भाई, आई के बिल्कुल क्या आ जाएगा पाई बाई फोर है, तो इजी, लेकिन छोटी सी मिस्टेक कर दो गलत हो जाएगा। पाई बाई टू सॉल्व किया, ऑप्शन में पाई बाई टू लिखा ही रहेगा, टिक करके चले आओगे, इसलिए ध्यान रखना है टू आई, आपने दो बार इसको जोड़ा ऐड किया है ना, तो आई पहले से था, आई आई यानी टू आई हो गया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसको रिमूव कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है। ठीक है, आई इक्वल्स टू मान लो जीरो टू पाई बाई टू, इसको आप लिख सकते हो क्या, वन अपान वन प्लस साइन क्यूब थीटा अपान कास क्यूब थीटा, क्यूब थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक्स है या थीटा है वो क्वेश्चन में, चलो कोई बात नहीं, एक्स है थीटा ही लिख दे रहे हैं, है तो एक्स, एक्स है तो एक्स ही लिखो। ठीक है, साइन क्यूब एक्स और कास क्यूब एक्स होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आएगा क्या, एक्चुअली जीरो टू पाई बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगा वन अपान साइन क्यूब एक्स प्लस कास क्यूब एक्स अपान कास क्यूब एक्स डी एक्स। चेक कर लो भाई, ठीक है, यही तो आएगा। अब जो है ये कास क्यूब आपको ऊपर चला जाएगा, जीरो टू पाई बाई टू कास क्यूब एक्स अपान साइन क्यूब एक्स प्लस कास क्यूब एक्स डी एक्स। हालांकि ये इसमें आप कास कॉमन भी लेके कर सकते हैं टेन वाले मेथड से भी, लेकिन इसमें फिर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब तरीका यही कि आप वही लगाओ जो इसके पहले आपने जो लगाया था जीरो टू पाई बाई टू वाला मेथड, तो यहाँ से आ जाएगा वही प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जीरो टू पाई बाई टू कास क्यूब पाई बाई टू माइनस एक्स है तो एक्स ही रखो, एक्स अपान साइन क्यूब पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कास क्यूब पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो जीरो टू पाई बाई टू आएगा, और कास क्यूब एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रल, सॉरी कास पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपान ही आ जाएगा कास क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स डी एक्स। इसको मान लो सेकेंड, ठीक है, इसको मान लो आप फर्स्ट, ऐड कर दो दोनों, क्या आएगा टू आई प्लस टू आ जाएगा जीरो टू पाई बाई टू, ये एक्चुअली ऊपर एलसीएम आप लोगे तो यही आएगा साइन क्यूब एक्स कास क्यूब एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा कास क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स डी एक्स, दिस यू कैंसिल आउट वन, यहाँ से आ जाएगा जीरो टू पाई बाई टू डी एक्स, यहाँ से आ जाएगा एक्स जीरो टू पाई बाई टू, इधर यहाँ टू आई है टू आई इक्वल टू पाई बाई टू, और आई इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाई फोर, सेम आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए,
अगला क्वेश्चन नोट करिए। इफ अल्फा बीटा आर रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा बीटा आर रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन आपका है 4x² + 3x + 7, 4x² + 3x + 7 इक्वल टू 0, देन 1/α + 1/β इज इक्वल टू, देन ये भी इजी है, हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, इज ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है आपका 7/3, अगला ऑप्शन भी है -7/3, एंड आपका ऑप्शन है 3/7, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है -3/7। सॉल्व करते हैं, इजी है, रूट दिया है अल्फा बीटा, ठीक है, गिवन है अल्फा बीटा, तो लेट क्या करने की क्या जरूरत है, ठीक है, सिंस अल्फा बीटा क्या है, रूट है, तो सम ऑफ द रूट निकाल लो, माइनस बी पानी होता है, कैसे होता है सब आपको पता है, यानी -3/4 आएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ, देखिए यदि आपको थ्योरी जानी है तो आप फिर सीधे लेक्चर जाइए, देखिए अरे सब चीज़ें ईजी है, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपके देंगे, हाँ जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे टिपिकल आती वहाँ पे हम लोग चीज़ें को क्लियर करेंगे, अदरवाइज जो ईजी है उसको हम सीधे डायरेक्ट करके चलेंगे। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c/7/4, हमें वैल्यू किसकी निकालना है, हमें निकालना है 1/α + 1/β की निकालना है, इसमें करेंगे क्या, हम लोग एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मालूम है -3/4 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है कितना है 7/4, कैंसिल आउट हो जाएगा 4 पे, यानी -3/7 आएगा, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कर लीजिए इसको भी, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इफ एक्स इक्वल टू √7 + 4√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x, इस टाइप क्वेश्चन में देखिए हमेशा क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया ही जाएगा कि आपको इजीली कर ले जाए, थोड़ा ध्यान से देखें क्वेश्चन को, तो अच्छा देखिए किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर जरूर है, देखिए कैसे इसको बनाएं, अब यहाँ पे 2ab टाइप चीज़ है, इट मीन्स जो है 2 जरूर रहा होगा, है ना, तो इसका जो स्क्वायर बनेगा एक्चुअली 2+ something कुछ बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा 2+ something, इसको थोड़ा हम एडजस्ट करें, इसको हम ये भी तो ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यानी जो है 4 यहाँ पे लिख दें, 3 कहीं और जगह लिख देते हैं, है ना, 3 लिख दें, और हमें इसको बनाना है a² + b², सपोज करो मान लो 2+√3 लिखते हैं, इसका होल स्क्वायर बनाते हैं, क्या आएगा 4 आएगा प्लस 4 ज़्यादा हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, इसको जो है बना लिया जाए, सिर्फ 2 तब यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, तब देखते हैं कितना आएगा, फिर आएगा ये आपका 3 आएगा a² + b² + 2ab यानी 4√3, ठीक ये मिल जाएगा, इट मीन्स इसको आप ये लिख दो 2√3 यानी 4+7 को लिख दो 3 लिख दो, और इसको जो लिखा है वही रहने, ठीक है, और इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √1 2+√3² ये तो आएगा a² देखो सामने है, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया a² + b² + 2ab है ना 2 + 4√3, ठीक, तो अब यहाँ से जो है x की वैल्यू मिल जाएगा, अगर रूट भी है स्क्वायर भी है तो डेफिनेटली x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2+√3 आ जाएगी, ठीक है, और आपको 1 देखिए किसकी वैल्यू निकालना है x + 1/x की निकालना है, x तो मिल गई आपके सामने है, 1/x कैसे निकालेंगे, इसको इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं ना 1/x निकालने के लिए, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/x की जो वैल्यू आएगा एक्चुअली क्या आएगी, यानी जो है 1/√x√3 यही तो होगा, मल्टीप्लाई करो 2 - √3 2 - √3 यहाँ पे आ जाएगा 2 - √3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 × 4 - 3 यानी दैट इज 1, तो 2 - √3 आएगा, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है 1/x की, तो हमें चाहिए किसकी, x और +1/x तो मिल जाएगी, x की वैल्यू ये है और 1/x की वैल्यू ये है, x + 1/x = 1 यानी 2 + √3 - √3 कैंसिल आउट यानी 4 आंसर आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपी का है, करा इफ 1/b + c, 1/c + a, 1/a + b आर इन एपी देन दिस, आपके ऑप्शन सामने दिए, तो अब देखिए जो एपी में गिवन है,
एपी का कंडीशन क्या है, देखो इसको T1 समझो, इसको आप T2 समझो, ये आपका T3 है। तो एपी का मतलब क्या हुआ, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2, ठीक है, यही तो हुआ इसका मतलब। जहाँ से आपका आता था 2B इक्वल्स टू A+C, वही कंडीशन है। तो अभी आपका T2 माइनस T1 करेंगे कितना आएगा आपका, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 1/C+A माइनस 1/B+C इक्वल्स टू T3, यानी 1/A+B माइनस 1/C+A, ठीक। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, C+A और B+C, यहाँ पे B+C माइनस C माइनस A, यही तो आएगा भाई। यहाँ पे आएगा A+B और दूसरे ब्रैकेट में आएगा C+A, तो C+A माइनस A माइनस B, कुछ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से सी सी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ए कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो और यहाँ से C+A कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, ऊपर बचेगा क्या आपका B-A/ बचेगा, यहाँ पे B+C और यहाँ बच जाएगा आपका जो है C-B और यहाँ बचेगा आपका A+B बचेगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, A+B और B-A, ठीक है, यहाँ पे B+C और C-B, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो क्या, A+B A-B, यानी B² - A² ये आपका आ जाएगा क्या, C² - B², ठीक है। तो B² किधर साइड होना है, A² को देखते हैं, 2B² = A² + C² तो ये कंडीशन किसका होता है, यानी कोई अभी कहीं A²B²C² AP में है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब 2B² = A² + C² कंडीशन आना चाहिए, या ये कंडीशन है तो हम कहेंगे A²B²C क्या है, AP में होगा, तो डेफिनेटली इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस किए रखिए ताकि आपको याद रहे, इसको करना भी ना पड़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है और आपके एग्जाम में ज़्यादातर कई बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, चाहे TGT हो, PGT हो, GIC हो, KBS हो, काफ़ी बार ही देखा जा चुका है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है इसमें और बड़ी बात नहीं है। चलिए गिवन क्या है, ABCGP में, ठीक, सिंस ABCGP में, इसका मतलब आपको मालूम है, तीन क्वांटिटी GP में होंगे, इसमें B² क्या होता है, AC, ठीक। अब यहाँ पे आप लॉग ले लो, लॉग लो, लेकिन ध्यान रखो बेस उसका जो है लैम्डा रखो, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा, नहीं डायरेक्ट में लिखना 2 log B और यहाँ पे आ जाएगा log A + log C, भाई log m into n, यही तो हो गया है, log m + log n, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा log C, बेस लैम्डा तो रहेगा, ठीक। अच्छा, इसको यदि हम ये बना दें, इसका हम रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है, क्या ले लें, रेसिप्रोकल। और आपको याद होगा कि कोई भी तीन नंबर जब AP में होते हैं तो उसके कंडीशंस क्या होते हैं, है ना, कोई तीन नंबर AP में तो उसके कंडीशन क्या होंगे, भाई जब मैं ये कहूँ ABC जो है AP में, इसका मतलब क्या, 2B = A+C, वही चीज़ यहाँ पे है, 2 log B = A, जो है यहाँ से एक बात क्लियर हो जाएगी, log A λ बेस λ, log B बेस λ log C बेस λ, R किस में होगा, इन AP में होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि AP के कंडीशन को सेटिस्फाई कर, लेकिन हमें ये तो चाहिए नहीं, ठीक है। जब कोई भी क्वांटिटी जो है ABC AP में है, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/A कर देंगे, 1/B, ये किस में हो जाएगा, HP में हो जाएगा, आपको मालूम है HP क्या होता है, AP का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा क्या, हमको क्या मिलेगा, यानी इसको जो है 1/ हम ये कर दें, log A बेस λ और 1/log B बेस λ और 1/log C बेस λ किस में हो जाएगा, HP में हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमें तो ये चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, इसके बारे में पूछा, log λ बेस E, तो आपको ये प्रॉपर्टी मालूम होगी कि भाई हम इसको जो है log λ बेस E को हम क्या ले सकते हैं, इसको जैसे 1/log A λ बेस, ठीक है। तो यही सेम चीज है, इसको हम प्लेस पे क्या ले सकते हैं, log λ बेस A, log B λ बेस B हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे log λ बेस B, इसका रेसिप्रोकल लेने से प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथमिक की, ठीक है, log λ बेस C, ये किस में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा
एपी में हो जाएगा भाई, जो चीज़ एचपी में, इसका स्पोकन है किस में हो जाएगा आपका जो है उसमें एचपी में हो जाएगा, सॉरी यानी देखिए फिर से एक बार समझ, ये क्वांटिटी जितनी हुई आप किस में है एपी में होगी, एपी की कंडीशन नहीं होती टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, ठीक है। और जब एपी में होता है ए बी सी इसका स्पोकन लेंगे तो एचपी में आएगा, और जब ये एचपी में है और ये सेम है ये, ठीक है, इसको मैं तो लिख सकते लॉग लैम्डा बेस ए को क्या लिख सकते वन अपॉन लॉग ए बेस लैम्डा, ये क्वांटिटी यही एक्चुअली पूछा जा रहा है ना कि व्हाट अबाउट दिस सीरीज, ठीक है, ये किस में होगी, ये भी किस में होगी, एचपी में होगी, ठीक है, ये तो सेम चीजें है ना, ठीक है, ये क्या है सेम चीजें है, तो जब ये क्वांटिटी एचपी में, जाहिर सी बात है भी एचपी में, तो अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है इफ ए बी सी आर इन जी पी देन, पूछा गया है बल्कि लॉग ए बेस लैम्डा लॉग बी बेस लैम्डा लॉग सी बेस लैम्डा तब क्या होगा, तब एपी में हो जाएगा, ध्यान रखिए किस बात, तब एपी में होगा, लेकिन जब इसको पलट देता है ना तो फिर आपके सामने एचपी में, देखो ना ये कभी कभी सिर्फ यही पूछता है, ये एपी में होगा और जब आपका बेस यानी जो लॉग ए है यानी बेस ए है बेस बी है सी है और लैम्डा लॉग लैम्डा वगैरह है तब आपका एचपी में, थोड़ा सावधान रहिएगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे आपके सामने है, कह रहा है कि एक्स टू द पावर हाफ इंटू एक्स पावर वन बाई फोर इंटू एक्स पावर वन बाई एट अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, तो इसकी जो है वैल्यू आपको निकालना है, तो सिंपल सी बात इसको आप लिख क्या सकते हैं, इसको फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, इसको लिख सकते हो एक्स टू पावर यानी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो वन अपान टू प्लस वन अपान फोर प्लस वन अपान एट प्लस वन अपान जो भी है अप टू इन्फिनिटी तक, देखा जाए ये वाली सीरीज किसकी है, जी पी की, ठीक है, चेक कर लो भाई जी पी की क्या पहचान, टी टू अपान टी वन इक्वल टू टी थ्री अपान टी टू, यही तो पहचान है, तो इसको चेक करो तो क्या आएगा वन बाई फोर अपान वन बाई टू दैट इज वन बाई टू और वन बाई एट, ये वन बाई एट अपान वन बाई फोर ये भी आ जाएगा वही आर सेम, ठीक है, इट मीन्स ये जो है किसका सीरीज है जी पी का, तो जी पी का वो भी समाप्त इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जी पी है, इसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा क्या होता है एस इन्फिनिटी ए अपान वन माइनस आर, ठीक है, क्या होता है एस इन्फिनिटी ए अपान वन माइनस आर, आर कैसे निकलता है टी टू अपान टी वन, ठीक है, कैसे निकलेगा टी टू अपान टी वन, यहाँ पे टी टू मान लो सेकेंड टर्म्स, ठीक है, टी टू अपान टी वन ये आपका आर होता है वन बाई फोर अपान वन बाई टू, यहाँ से क्या आ जाएगा आपको वन बाई टू आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो एस इन्फिनिटी यानी जो है ए अपान वन माइनस ए कितना है वन बाई टू है, आर कितना है वन बाई टू है, वन बाई टू अपान वन माइनस यानी वन बाई टू, ये आपको कितना मिल जाएगा वन मिल जाएगा, ठीक है, कितना मिल जाएगा वन मिल जाएगा, तो अब यहाँ पे रख देंगे एक्स की जगह यानी एक्स टू पावर वन यानी एक्स, इसका जवाब क्या होगा एक्स होगा, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन था सिर्फ फार्मूला बेस्ड था। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा है बोर्ड पे, ये भी एपी का क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे करेंगे, कह रहा है कि द सम ऑफ टू डिजिट और नंबर इज, यानी दो विषम संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है और नंबर टू डिजिट का कहाँ से स्टार्ट होगा, इलेवन से स्टार्ट होगा, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगा इलेवन से, तो आठ इलेवन होगा थर्टीन होगा फिफ्टीन होगा अप टू टू डिजिट का लास्ट डिजिट क्या हो सकता है 99 होगा, है ना, 100 तो होगा नहीं, 100 के बाद थ्री डिजिट हो जाता है उसके बाद हमें लेना नहीं, ठीक है, तो आपको फार्मूला मान पहले हमें एन निकालना होगा ना, हमें चाहिए क्या सम चाहिए, ठीक है, तो एस एन क्या होता है एन बाई टू ए पी का टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू बी, यहाँ पे ए बी है और एल बी है मालूम, या ए बी फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, लास्ट टर्म्स पता हो तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ए कितना है आपके पास है ना, ए की वैल्यू है 11 है ना, ए कितना 11 है और एल एल का ये लास्ट टर्म कितना है 99 है, ठीक है, तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी या टी एन भी बोलते हो आप इसको, है ना, तो बेटा यहाँ पे एल 99 रखो ए की जगह रखो जो है 11, ये ना आपको निकालना है डी निकालो 13 माइनस 11 दैट इज 2, ठीक है, 11 माइनस प्लस 2 एन माइनस 2 99, ठीक है, यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लीजिए, एन की वैल्यू कितना आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी जो है 45,
ठीक है, कितना आ जाएगी यहाँ से इनकी वैल्यू 45 सॉल्व कर लो। तो अब जो है हमें एन भी मिल गया, ए भी मेरे पास है, एल भी हमारे पास है, तो डायरेक्ट आप रख लो इस फॉर्मूले में, एन की जगह रखो 45/2, ए कितना है आपके पास है 11 है, एल कितना है आपका जो है 90 आएगा, सिंप्लीफाई कर लो, जो आएगा वही आपके पास ऑप्शन दिया है टिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दी सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 1/5 टाइम्स द सम ऑफ देयर स्क्वायर द नंबर ऑफ एन इज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखिए, कह रहा है कि देखिए सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी 1 + 2 + 3 + up to n तक है, क्या होता है n, n plus 1/2। ठीक है, स्क्वायर आप भी सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कितना होता है, यानी 1 square 2 square + 3 square, ठीक है, up to n square ये कितना होता है n, n plus 1 2n + 1/6, यही तो होता है। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, यानी जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है 5 टाइम्स है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर यानी इट मींस अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम n n plus 1 by 2 equals to 1 by 5 times n n plus 1 2n plus 1 upon 6। ठीक है, कैंसिल आउट जो काट दीजिए, यानी n n n plus 1 ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, मिल जाएगा आपको जो है ये 5 भी है। ठीक है, 5 3 15, 15 = 2n + 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा जो 15 - 1 = 14, 14 = 2n, 2n = कितना आ जाएगा 7 आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, सब इजी है, पूरा क्वेश्चन ही इजी है, 2011 वाला पेपर इट मीन्स काफी आसान था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसके बाद जो लिखा हमने द नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बायनोमियल थ्योरम्स का क्वेश्चन है, इसलिए हमने क्वेश्चन कराया आपको, करा कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, तो हमने बताया था ये कोई भी एक्सपेंशन इस टाइप का 1 + exponential टाइप का, कितने नंबर होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n plus 1 जो पावर इसको ऐड कर देते हैं, तो पहले देखिए इस टाइप का है कि नहीं, इसको बना लीजिए, बन सकता हो तो, जरूरी नहीं सारे बन ही जाए, ये बन जाएगा, ये एक्चुअली है क्या, ये 1 + x² है। ठीक, a² + b² + 2ab, यानी 1 + x² है, पावर 20 है, क्यों भाई, यही तो है। अब इसको क्या लिख सकते हो, 1 + x² 40, एन मिल गया, एन कितना है 40, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, एन प्लस वन यानी 40 + 1 यानी 41, इसका जो जवाब होगा ऑप्शन में लिखा ही नहीं मैंने, ऑप्शन नंबर डी जो है 41 ही का, ये है ऑप्शन नंबर डी इसका। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है अक्सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, करा दी क्वेश्चन टॉप एक्स पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 6/2 - 3/x² होल टू द पावर 10। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन में करते हैं क्या, हम लोग आर निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपको एन टर्म्स का, टी आर इक्वल्स टू एल सी आर एक्स टू पावर एन माइनस आर ए टू पावर आर। ठीक, तो हमें आर ही को निकालना है, एन यहाँ पे 10 है, सी आर एक्स टू एक्स कितना है x/2 n - r, यानी 10 - r, ए कितना है -3/x² r। ठीक है, तो एक्स पर टर्म्स को ये कलेक्ट कर लेते हैं, 10 cr, और यहाँ पे आ जाएगा जो है x^10 - r, ये आपका है जो है -3/r, इसको अलग कर लो, और ऊपर जाएगा x^-2r, ये बचा है अभी 1/2 10 - r। ठीक, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 cr और 1/2 power 10 - r -3/r, एक्स पावर कितना हो जाएगा 10 - cr। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 - 3r, यही तो होगा। अब यहाँ से हम करते क्या है, r की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, जो कोएफिशिएंट होता है नहीं उसको हम इक्वेट करते हैं, यानी
10-3 आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 10-3 आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से आर की वैल्यू कितना हो जाएगी, यानी 6 इक्वल टू 3 आर, आर इक्वल टू कितना हो जाएगी, 2, ठीक है भाई। देख लो आर की वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। अब करना क्या है, जहाँ पे हमें x पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है, जहाँ जहाँ r है वहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम फिल कर देते हैं 2, ठीक है। यानी 10c2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 r टू पावर 2, यानी 8 आ जाएगा, -3 टू पावर 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, देख लेना जो ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ एनपीआर इक्वल्स टू 720, इफ एनपीआर इक्वल्स टू 720 एनसीआर, देन द वैल्यू ऑफ आर इज, एनसीआर देन द वैल्यू ऑफ आर इज, ऑप्शन ए इज है आपका, आर का ऑप्शन है 6 है, एंड ऑप्शन नंबर बी है 5 है, एंड ऑप्शन नंबर सी है आपका 4 है, ऑप्शन डी क्या है, 7, ठीक है। सिंपल है, इसको करते हैं हम लोग। एन पी आर होता क्या आपको मालूम है, एन का फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये आपका 720 रहने दो, एन सी आर का फॉर्मूला लगाओ, एन का फैक्टोरियल अपान आर का फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, एन का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें चाहिए किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एन माइनस आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एन माइनस आर का फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधे आर का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 720, आर का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 720। तो अब ये देखिए 720 किसका फैक्टोरियल होता है, इसको आप ओपन करके देख लीजिए, 720 किसका फैक्टोरियल होता है, 6 का होता है, ठीक है। तो आर की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, 6, यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अभी हमें लोगों को और करना है, अभी क्वेश्चन इसमें और ज़्यादा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जितना प्रॉब्लम हो जा रहा है आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करिए और खुद से करने की कोशिश करिए, हालांकि ये क्वेश्चन है कोई बड़ी बात नहीं है, और जो बच रहे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, कल मिलते हैं।